अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है हम गाइड कर रहे हैं, हम तो हर एग्ज़ाम से ही रिलेटेड गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी फ़िलहाल शिक्षक भर्ती का माहौल हो चुकी है, टैट वगैरह हो चुका है। हम कई जो है महीनों से बोलेंगे या कई सालों से जिसका इंतजार किए थे, वो 2023 में आखिरकार हमारा सपना साकार हुआ है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देकर हमारे दिल को एक सुकून ये महसूस हुआ कि आखिरकार एग्ज़ाम तो हो गया। पिछले 6-8 महीने से, एक साल से गवर्नमेंट फरवरी 2022 से जो है हमको, जिसको बोलेंगे एक तरह से, हम गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आने की वजह से या घोषणाएं होने की वजह से एक डिस्टर्ब मेंटालिटी बना चुके थे हम, अब वो हो चुकी है। अब मेरा आज का जो टॉपिक है, ये मेरे दिमाग में ये बात आई कि तुम्हारे ऐसे सवाल पूछना बहुत कॉमन सवाल है तुम लोगों का, किसी भी मीडियम वाले का, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम। तुम्हारा एक कॉमन सवाल ये है कि सर मेरे लिए सुटेबल क्या रहेगा, सर मेरे लिए बेहतर क्या रहेगा, सर मेरे लिए बेहतरीन क्या रहेगा, जिला परिषद रहेगा, नगर पालिका रहेगा, महानगर पालिका रहेगा, या फिर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, दूर का जो है मेरे को ना मिलते हुए मुझे मेरा ज़िला मिला, मेरे घर के पास में मिलना, ये तमाम चीज़ें सर मेरे लिए बेहतर क्या रहेगा, ठीक है, और किस में सबसे ज़्यादा सहूलत है, किस में सबसे ज़्यादा आसानी है। तो इस टॉपिक पर जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुम अब ये इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। ये पूरा एकदम रियल बेस्ड जो है मैं चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें इंक्लूड मैं भी रहूँगा एक इंसान होने के नाते, उसमें हर किसी को मैं इंक्लूड करके बात करूँगा। इसलिए ये वीडियो को मेरे पूरा गौर से देखो और मैं क्या कहना चाह रहा उसको समझो, ठीक है। एक दौर था, वीडियो की शुरुआत में मैं बोलूँगा कि एक ऐसा दौर रहा है, एक ऐसा दौर ज़िंदगी में अपने गुजरा है या गुजरता है, जहाँ हम बहुत सारा जो है एजुकेशन हासिल कर लेते हैं हम जो है, और ऑल मीडियम वालों को मेरा पूरा ये वीडियो देखना है ताकि तुमको समझ सके कि एक्चुअल में तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। तुम पूछ रहे जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, नज़दीक, दूर, ये टॉपिक पर भी मैं 10 मिनट में बहुत सी चीज़ें क्लियर करूँगा। एक दौर था, हमने बहुत सा एजुकेशन लिया, हमारे पास उम्र थी, कम उम्र में हमने बहुत सा एजुकेशन लिया, हम एजुकेशन कंटिन्यू करते गए। फिर उसके कंप्लीट होने के बाद एक जुस्तजू हमारे अंदर पैदा हुई, हमारे माँ बाप की उम्मीद जागी कि अब हमारे बच्चे ने जो है नौकरी करना। अब उसमें एक टाइप होती है सरकारी नौकरी और दूसरी टाइप होती है प्राइवेट नौकरी। अब जब हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो उसका एक सीधा सीधा एक टारगेट होता है कि हम काबिल बन जाए, ठीक है, और काबिल बन के कहीं ना कहीं हम नौकरी करें, और वो नौकरी हम कोई भी एंगल से चाहते हैं, कोई प्राइवेट में इंटरेस्टेड होता है और कोई, अब हमने कर चुके हैं डीएड, बीएड, टीईटी, सीटेट वगैरह, एमएड, एमएससी, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम, ये चीज़ें कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी उम्मीदें जो थी जो है अब वो परवान चढ़ी और हमने टीईटी भी निकाल दिए, सीटेट भी निकाल दिए, हमने बहुत सा एजुकेशन ले लिए, डीएड, बीएड, एमएड कर दिए, बीएससी कर दिए, एमएससी कर दिए, हर लेवल पे हम पात्र हो गए। लेकिन जैसा कि कंडीशंस परिस्थिति तुमको पता है कि महाराष्ट्र में भर्तियों के हद तक शिक्षक भर्ती के सबसे बुरे हाल है, सबसे सबसे डेंजर हाल जो है और सबसे बेकार हाल जो है शिक्षक भर्ती के है। इसमें कई ऐसे मसाइल है जो मैं अगर बोलने को बैठूँ तो 20 मिनट, 25 मिनट, एक घंटा भी लग सकता है। वो मसाइल की तरफ हमको देखना नहीं है, गवर्नमेंट के इश्यूज़ थे, रियल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से भर्ती रुक चुकी थी। 11 सितंबर 2011 को पटपड़ताड़नी मुहिम नांदेड़ से श्रीकर परदेशी साहब शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो है रिकॉर्ड में सामने आती है। और उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर 2011 से ये मुहिम महाराष्ट्र लेवल पर नांदेड़ पैटर्न बोलकर ली जाती है और 2 मई 2012 से परमानेंटली शिक्षक भर्तियों पर बंदी कर दी जाती है, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट की, ठीक है। और ये इशू होने की वजह से अगले 5-7-8 सालों तक भर्तियां नहीं हुई। अब अचानक में जब टीईटी आई, सीटेट आया, वो जो हमने पास करे, तो ये एक एलिजिबिलिटी हमने क्रॉस कर दी है डीएड बीएड के बाद में। अब जब भर्ती हुई तो हमारा एक ऐसा रोना था, मेरे कहने का मकसद ये है फिर कि रोना ऐसा था हमारा कि देखो हमने इतना कुछ करके हमारी कदर नहीं है गवर्नमेंट के पास में, हम इतना सुपर ग्रेजुएट हो गए, हमने एमएड कर दिए, डीएड कर दिए, हमने पीएचडी कर दिए, टीईटी, सेट, नेट सब कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट भर्तियाँ ही नहीं निकाल रही। अब जाकर जो है भर्ती आ चुकी है, भर्ती तुमने एग्जाम दे दिया टैट का, किसी ने 5 साल के इंतजार के बाद, किसी ने 10 साल के इंतजार के बाद, किसी ने 9 साल के, 8 साल के, तुम बखूबी वाकिफ है इस चीज़ से। कोई कोई तो नियर अबाउट जो है 40 ईयर की उम्र में भी उसने दिया होगा ताकि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सके। अब जब तुमने टैट दे दिए, टैट नहीं आ रहा था, तो हमारा एक रोना था कि भाई टैट नहीं आ रहा है, ये गवर्नमेंट कैसी है, हर गवर्नमेंट ऐसी ही होती है, वैसी ही होती है, वगैरह वगैरह। हमारा रोना इंसान एक फितरी चीज़ है जो उसके पास है, उस पर शुक्र ना करते हुए, जैसा कि उसमें इंक्लूड मैं भी हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो उस पर शुक्र ना करते हुए उससे ज़्यादा की उम्मीद करते बढ़ता है और वो उम्मीदें बढ़ते जाती है। अब हमारी उम्र निकल गई, इतनी उम्र निकल गई कि हम अब गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में और आखिरकार भर्ती हो गई। तो मेरा कहना यह है कि भर्ती हो चुकी है, यहाँ इत्तेफाक रखो, यहाँ सब्र रखो, यहाँ शुक्र रखो, ठीक है, यहाँ पर समाधान रखो अपने जीवन में, अपने लाइफ में समाधान रखो कि भर्ती तो हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें किंतु परंतु ये वो ये जो चीज़ें, ये तो आने ही वाली है, गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट की भर्ती है, कहाँ कौन सी कंट्रोवर्सी पैदा होंगी ये हम बोल नहीं सकते, ठीक है। अब हमने ये दे दिए, हमारे स्कोर आए, हमारा टैट का रिजल्ट आ गया, हमने उसकी प्रिंट ले लिया, हर चीज़ हो गई। पहले हमारा रोना था कि भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती होने के बाद में रोना हुआ कि पेपरों में या पैटर्न वगैरह में ये चीज़ें जो थी, ये एक फितरती बात है, ठीक है। हकीकत में पैटर्न हार्ड था, लेकिन शिक्षक भर्ती तो होगी,
शिक्षक भर्ती होगी तो अब हमारा ऐसा कहना है कि भाई कब से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, ये हमको उतावलापन फिर बोलेंगे लॉक कब करेंगे, वो उतावलापन फिर बोलेंगे आप मेरिट लिस्ट कब आएंगे, फिर बोलेंगे स्कूल कब मिलेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये सोच लेना कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है, तो बेहतर क्या है, जिला परिषद है, नगर पालिका है कि मनपा है। तो एक सीधी साफ और सच्ची बात जो कि दुनिया के उसूल के हिसाब से तुमको नौकरी मिलना सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। तुम थोड़ा शुक्र वाली बात करो, तुम थोड़ी सबर वाली बात करो, कोई भी मीडियम वाला अगर मेरा देख रहा है, जब तुम्हारा स्कोर अच्छा है, तुम्हारा स्कोर कम भी है तो भी तुम रजिस्ट्रेशन करो, नहीं भी है ज़्यादा भी है तो भी रजिस्ट्रेशन करो, गलतियों से बचो। अब तुम बोलेंगे कि जैसा तुम पूछ रहे हो कि जिला परिषद है नगर पर कहाँ की सैलरी कितनी होती है, कहाँ पर कितनी छुट्टियाँ होती है, कहाँ पर बदली होती है, ट्रांसफर होती है। अब एक दौर उस दौर को पीछे जाओ, थोड़ा उस दौर को याद करो, वो उसमें तुम्हारे में मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कई अरसा साल निकाल लिया है। और रही बात नाशुकरी की, तो वो फितरती बात है, वो मेरे भी अंदर थी ही होंगी, आज भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। कौन कहाँ पर नाशुकरी करता है ये बोल नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग अगर हमने बोले और उस पर शुक्र मनाए तो हमको बहुत सी चीज़ें मिल सकती है। तो अब जैसा कि रजिस्ट्रेशन से पहले तुम्हारे सवाल आ रहे, तो जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, या कोई संस्था पर तुमको विदाउट इंटरव्यू पर लग गई, या तुमको कहीं कोई कटक मंडल पर लग गई, या फिर कहीं तुमको दूर लग गई या नज़दीक लग गई, तुमको नौकरी लगना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये तमाम चीज़ों के बीच में जो चीज़ आती है, तुम अक्सर पूछते हैं कि मेरा अगर दूर लग गया, तुम्हारे सवाल रिपीट होते हैं वो बार बार, मेरा ये वीडियो ही बनाने का मकसद वो है, तुम्हारे रिपीट सवाल ये होते हैं। अभी मैं तुमको ऐसी ऐसी मिसालें मेरे सामने की बताऊंगा, तुमने तजुर्बा नहीं लिया शायद, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि उर्दू मीडियम वाले एकदम जो है लिमिटेड थिंकिंग में रहते हैं, तुमने वो तजुर्बा लिए नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है और देख रहा हूँ 40 से 45, 42 साल के जो है मराठी मीडियम के मेरे पहचान वाले, जो 2016-17 में मेरे साथ तलाटी ग्राम सेवक, जो सिपाही की जो भर्तियों की तैयारियां मैं करता था मेरे साथ, जब वो हमारे शहर में पुसद में जब वो रहते थे, उनसे बातें होती थी, तो वो जब मैं सोचता था कि यार मैं इतनी नाशुक्री करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज से 8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, कि मैं ये एज में नहीं लगा, ये 40 साल की उम्र में आज ये उम्मीद लगा के बैठे जो कास्ट कैंडिडेट होते हैं ना, 43 जिनकी 43 वालों को तक देखा मैंने जो लगे तलाटी में इसमें, तो मैंने उनको बोला कि सर तुम ये क्यों कर रहे, जब तुम, तो सर बोले आप इतनी उम्र डाल दिए तो आप क्या करना, बोले हाथ पैर मारने के वास्ते पढ़ाई दुनिया भर की उनकी, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से वो नहीं लग रहे थे, कोर्ट मैटर्स की वजह से, या फिर 2014 के बाद से तो आज तक महाराष्ट्र में भर्तियों की जाहिरात के बहुत लेने के देने हो चुके हैं। तो शिक्षक भर्ती हो चुकी है, इस पर सबर करो, शुक्र करो कि हो तो गई, कम से कम कम आए ज्यादा आए, दूर मिलेगा नजदीक मिलेगा, ये नाशुकरी है, सीधी सीधी बात मैं तुमको बोल रहा। और नाशुकरा इंसान जो होता है, इंसान अक्सर परेशान हो जाता है, कोई भी इंसान हो, वो एक आम इंसान हो या एक खास इंसान हो। तो अभी तुम्हारे स्कोर के हिसाब से पहले रजिस्ट्रेशन करो, और तुमको अगर मिसाल के तौर पे तुम पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में ऐसी लालच में आ गए कि सर मेरा तो 120 है, मुझे मैं वहाँ से वापस यहाँ से जाने के बाद में मुझे मेरे 4 जिले दूर का अगर मिलता है, क्यों भाई तुमको लेना नहीं है क्या, जब तुमको पहले लिस्ट में मिल रहा है तो काबिले कबूल रखो ना उसको, यानी ये भी एक नाशुक्री है। जब मैं वहाँ चले जाऊँगा तो मेरे 130 है, फिर वो बाकी के पीछे वाला जो कम मार्क वाला है वो मेरे प्रॉपर में लग जाएगा, कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में, तो मुझे वापस आने का चांस मिलेगा क्या? तुमको गवर्नमेंट के उसूल की ABCD भी मालूम नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वा सच है, तुमको ABCD भी मालूम नहीं है। तुम सिर्फ भर्ती देने से मतलब रखते हो, और तुमको ऐसा लगता है हमने बस एक जाके टीचर की जॉब करना और टीचर कहलाना और समाज में ऐसा एकदम टिप टॉप दिखना, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सही बोले तो तुमको उसूल ही मालूम नहीं है कोई चीज़ के, और जब तुम प्रोफेशन में जाएंगे ना तो प्रोफेशन के कम से कम उसूल तो भी मालूम रखने की कोशिश रखो, ठीक है, ये कड़वा सच है। तो तुम जब एक बार चले गए, तुमको रायगढ़ मिल गया, तुम्हारे जिले से 700 किलोमीटर दूर मिला, और तुम पहले लिस्ट में लग गए, तो तुम वहाँ मामला खत्म हो गया, परमानेंटली मामला खत्म हो गया। अब तुम बदली से कब आएंगे, क्या होगा, तुम्हारी कितनी जॉब होंगी और तुम कितने उसूल में बैठेंगे, तुम्हारी बदली कब होगी, वो गवर्नमेंट जाने और तुम जाने। तुम नौकरी पर लग गए ये शुक्र मानो बस, अभी भी मैं बोल रहा हूँ तुमको नौकरी मिल रही है ये सोचकर अभी इतना शुक्र मानो कि मिलने वाली है, जब भी मिलेंगी तब मिलेंगी, गवर्नमेंट के इश्यूज जब तक क्लियर नहीं होते जब तक तुम मिलेंगी नहीं। फिर बोल रहे कि जिला परिषद अच्छी है, नगर पालिका अच्छी है, मनपा अच्छी है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम पूछ रहे होंगे तो मेरी नज़र में इस महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट अगर टीचर की कोई जॉब है तो वो जिला परिषद का टीचर है। लेकिन तुमको उसमें भी किंतु परंतु लगता कि हमको खेड़े में नहीं होना, हमको दूर नहीं होना, हमको यहाँ पर नहीं होना। जिला परिषद के 80-90% स्कूल देहातों में ही होते हैं, इंटीरियर्स में ही होते हैं, ये बात सच्चाई है और 100% सच्चाई है। अब जो भी मीडियम वाले तुम मुझे पूछ रहे होंगे कि नगर परिषद मनपा का क्या है, यहाँ पर जो है पेमेंट लेट होती है, हमने सुने यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ का प्रशासन सही नहीं होता है, ये डिसीजन लेने वाले ये सोचने वाले तुम कोई भी नहीं होते। जब तुमको नगर पालिका कोई महानगर पालिका मिल जाता है तो पूरी लाइफ तुमको नियर अबाउट चांसेस है, 90% 95% चांसेस है, 98% चांसेस है कि पूरी लाइफ तुमको उसी महानगर पालिका में और उसी नगर पालिका में निकालनी होती है। उस महानगर पालिका में 10 स्कूल है तो 10 स्कूल में पूरी तुम्हारी वहाँ ट्रांसफर होकर जो है लाइफ निकल जाती है। नगर परिषद का भी सेम है। रही बात पेमेंट सेम होता है लेट होता है, देखो इससे लेन देन रखो मत, ये सोच के कुछ भी फायदा नहीं है, कसम खुदा की बात कर रहा हूँ मैं, ये सो मैं भी सोचता था लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है ये सोच के। तुमको इतना कुछ जो है तुम्हारे हाथ में जो है गवर्नमेंट जॉब आने के बाद में सैलरी आ सकती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आज के दौर में, कि तुम जिंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। उसमें सुकून उस वक्त आएगा जब हम हलाल तरीके से वो नौकरी करेंगे, ये बात याद रखो। हलाल तरीके से अगर वो नौकरी करेंगे तुम नगर परिषद में जाओ, मनपा में जाओ, तुम प्राइवेट में जाओ, तुम जिला परिषद में जाओ, तुमको सुकून नहीं रहेगा अगर हमने हराम तरीके से करें। वो हराम तरीका कैसा है वो हम सब जानते हैं। ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हम जिंदगी भर जंजाल में ही रहेंगे। तो जिला परिषद सबसे बेस्ट है, चाहे वो खेड़े में मिलने दो, चाहे वो दूर दराज मिलने दो। ट्रांसफर की बात रही तो जिला परिषद में ही ट्रांसफर होता है,
नगर पालिका और महानगर पालिका और प्राइवेट संस्था, प्राइवेट संस्थाओं में अगर तुम लगे मराठी मीडियम वाले मेरा वीडियो देख रहे, अगर तुम पहली से बारहवीं पर कहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया विदाउट इंटरव्यू में, ठीक है, सिर्फ टैट के मार्क पर, तो तुम्हारा जो ट्रांसफर होगा उसी संस्था, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक अमरावती में संस्था है और उसी की ब्रांच जो है संस्था की ब्रांच कोल्हापुर में है, तुम कोल्हापुर की है, तो कोल्हापुर की जो अगर तुम्हारे को कोल्हापुर में मिला और तुम अमरावती के है या फिर तुम कोई दूसरे जिले के वाशिम के, तो उसी के ब्रांच में तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है। जनरली ट्रांसफर होता नहीं है, हुआ तो उसी के ब्रांच में होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इस पर शुक्र मनाओ, जो भी होता है तुमको जो मिलता है वो लेने की कोशिश करो। मैं बहुत दूर चला गया तो मुझे वापस आने का चांस तुमको टैट के जरिए नहीं मिलता, उसी के वो सिस्टम में तुम्हारे पीछे वालों को चांस रहता है, वो कन्वर्टेड टू ओपन का उनका वो हक रहता। तुम दूसरों के हक मारने की भी बात करेंगे, तुम अपने आप को ऊंचा भी बताएंगे, तुम अपने आप को बहुत ये भी बताएंगे और सुकून भी मांगेंगे, तो सब चीज़ें नहीं होती है। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहता है, जो मिलेगा ZP मिलेगा, नगर पालिका मिलेगा। तुम मुझे अगर पूछेंगे कि क्या प्रेफर करना, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि जो मेट्रो सिटीज़ वाले हैं, जो शहर वाले हैं बड़े बड़े, जिनकी जिंदगियां निकल चुकी है, वो देहातों में नहीं रह सकते, वो प्रेफर करो महानगर पालिका को और नगर पालिका को। और ज़्यादातर को मैं ये एडवाइस करूंगा कि जिला परिषद को प्रेफर करो, मराठी और उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले, जिला परिषद को प्रेफर करो। इंग्लिश मीडियम की ज़्यादातर जिला परिषद की स्कूलें नहीं है गवर्नमेंट की, वो महानगर पालिका की, तो तुम वहाँ का कोई मसला नहीं। लेकिन तुम एक बार कोई मनपा में लग गए, अगर तुम्हारा जिला है कोई, जैसा कि अगर मैं बात करूँ तुम्हारा एक जिला है कि जिसको हम बोलेंगे बुल्ढाना जिला है, और तुमको अगर TMC मिल गया ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तुमको KDMC मिला कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तुमको NMC नवी मुंबई कॉर्पोरेशन मिला, या तुमको BMC मिला बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ से लाइफ टाइम तुम आने सकते, तुम्हारी बदली हो नहीं सकती। बस ये बात क्लियर है। तुम जिला परिषद में महाराष्ट्र के किसी भी कोने में रहते हो, कोई भी कोने में, आखिरी टोक में जहाँ रत्नागिरी का आखिरी एंड हो गया, वहाँ से अगर रत्नागिरी के आगे से कौन सा गोवा शुरू हो जा रहा, तो तुम वहाँ से भी तुम्हारे घर पे आ सकते। जिला परिषद का ये सिस्टम है, और बाकायदा सिस्टमैटिकली आते तुम, यानी कि एकदम ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए। लेकिन कोकण में जब तुम चले जाते तो ट्रांसफर्स की जो है गारंटी कम से कम कर होती जाती। बाकी महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर मैं कोकण छोड़ दूँ, तो तुम्हारे जिले में आने के लिए 5 साल के बाद आने के चांसेस बन जाते, लेकिन गारंटी नहीं है, सीनियरिटी पर रहता वो, और तुम्हारे इलाके में जगह भी खाली होना मांगता है। लेकिन कोकण से बदलियाँ जो है जल्दी होती नहीं है, ये भी एक बात है। तो ये चीज़ है, तो जहाँ है वहाँ शुक्र मनाने की अगर अभी से तुमने सोच रखे तो ठीक है, तुम बच्चों का भविष्य बना सकते। और ऐसी नाशुक्री ऐसा नहीं है, तुम जाहिर सी बात है कि तुम इसे सोच के नाशुक्री कर रहे होंगे, ये नाशुक्री एक इंसान होने के नाते मेरे भी अंदर होंगी, जिससे मैं सीख लेने की कोशिश करता हूँ। वो जब मुझे अगले वाला टोकता है कि तुम नाशुक्रा बना कर रहा है इस चीज़ में भी, तो मैं उससे बचने की जो है कोशिश करता हूँ। तो तुम भी बचो इस चीज़ से, तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में, तुम्हारे माँ बाप के हक में सबसे बेहतर ये है कि तुम्हारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तुम नौकरी पर लगेंगे। तुमको जिला परिषद मिलो, नगर पालिका मिलो, कि मनपा मिलो, जो मिले उसमें ले लो। तुम्हारे को बस इतना है कि तुम्हारे माँ बाप को तुमको कमाई से लगा हुआ देखना है, बस बाकी मामला खत्म है। तो इस वीडियो के जरिए मैंने स्पेशली ये बताने की आँख खोलने की कोशिश की, और मैं अपने आप पर भी अमल करने की इसमें कोशिश करूँगा पूरी कि इस चीज़ से बचना है हमको। तो एडवाइस के हद तक मैं बोलूँ तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जिला परिषद है, और उसके बाद में ही ये है। रही बात पेमेंट्स के स्केल्स की, तो सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अगर मैं तुमको बात बोलूँ नगर पालिका और महानगर पालिकाओं में अक्सरियत में, मेरी नज़र में जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे कानों तक आई बात है, तो पेमेंट्स लेट होते हैं, और थोड़े जिला परिषद का जितना काम टिप टॉप का होता है, जैसा मैं अपना जाती तजुर्बा बोलूँ, और मैं जब भी खाली रहा हूँ 10-12 साल, उस दौर में भी मैंने देखा कि जिला परिषद का जो काम सिस्टमैटिक और टिप टॉप होता है, यानी कि कोई भी पेमेंट की हद तक या कोई भी इसकी हद तक, तो बहुत बढ़िया होता है, ऐसा मैंने देखा है। कई नगर पालिका और मनपा का भी है, लेकिन ज़्यादातर महानगर पालिकाओं में प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ ये कॉमन चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको वो ऑप्शन में आ रहे हैं और तुम छोड़ रहे हो, तुमको ऑप्शन में आए, तुमने वो छोड़े, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, इत्तेफाकन ऐसा हो सकता है कि तुम ये नाशुक्री करें कि तुम्हारी ज़्यादा मार्क है, और तुम ज़्यादा मार्क होने की वजह से तुम रजिस्ट्रेशन ना करते हुए तुमने डायरेक्ट कन्वर्टेड ओपन के लिए रुके, और तुम्हारे से ऐसे 30-40 मार्क कम वाले ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वो लग जाएगा, तुम नहीं लगेंगे तुम्हारी ईगो की वजह से। तो ये बात कभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में आप रिपीट मत करो कि दूर मिला सर तो मेरे को तो इतने ज़्यादा मार्क है और मुझे कन्वर्टेड टू, अब वो तो बेचारा जो तुम्हारे से कम मार्क वाला है वो लग ही नहीं रहा, उसको मालूम है पहले राउंड में वो लग ही नहीं रहा, किसी भी कास्ट से बिलोंग करने, तो उन्हें 60-70 पे लगता क्या, इतने ज़्यादा मार्क होने की वजह से। तुमने खुद ने PDF देखी उर्दू मीडियम की, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, सब मीडियम की, तुमको तुम्हारी हालत मालूम है। तुम्हारा रैंक अच्छा है तो जाओ ना यार, कहीं पर भी चले जाओ, नौकरी करो, उससे क्या है। तो बाकी की जो है जो चीज़ें हमें बुरी लगी होंगी उसको फेंक दो, जो अच्छी लगी होंगी उसको लो, और पूरा भी बुरा लगाऊंगा तो पूरा भी अवॉइड कर दो वीडियो, ऐसी कोई ये नहीं है। जो मेरे करीबी है, जो मेरे अपने हैं, जो तुम मेरे से अटैच है, मेरे सब्सक्राइबर है, मैं ये ऐसे मौजूद इसलिए ऐसे टॉपिक लेता है, ये कोई मालूमत नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, आम बात है। तो मैंने भी जितनी नाशुक्री करा अल्लाह ने मुझे वैसी परेशानियों में उठते लगा, तो बाद में मुझे ठेस पहुंची जब मुझे वो ठोकर लगी कि मैं हर बात में नाशुक्री करता हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें हमको शुक्र करने की आदत आ जाती है। अल्लाह दुआ कि हम तमाम को एक शुक्रगुजार और सबर वाले बंदे बनाए, हर बात पर सबर और शुक्र करने की, और खासकर सखावत करने की, सदका ज़कात खैरात गरीब मिस्कीन यतीम बेवा ज़रूरतमंदों में खुसूसन देते रहने की, ऐसी हमको तौफीक नसीब फरमाएं। और मेरी दुआ है कि जितने भी टैट धारक है, जो उनकी जायज़ तमन्नाएं हैं उनके लगने की, अल्लाह उनको सबको लगा दे, उनके हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी करके उनकी पूरी बेरोजगारी खत्म कर दे, और उनको शुक्रगुजार बंदा बनाए अल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी मालूम के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो, लेकिन वीडियो पूरा देखो। अस्सलाम वालेकुम।